एटमी स्टार्ट हुआ था 2009 में। 2009 से लेके आज तक का 11 साल का हिस्ट्री हमारे पास है। आप अगर देखें तो लास्ट ईयर मतलब 2019 में पूरे वर्ल्ड में टोटल जो हमारे मेंबर हैं वो हैं 61 लाख मेंबर हैं। और 2010 से हम लोग अमेरिका में स्टार्ट किया और 14 डिफरेंट कंट्री में हम लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि इंडिया में हम लोग बहुत ही जल्द ओपन करने वाले हैं। हमारा मेंबर 61 लाख मैंने अभी आपको बताया। 61 लाख मेंबर के साथ 2019 का अगर आप हमारा सेल्स देखते हैं तो डॉलर में ये होता है 1.3 बिलियन US डॉलर। अगर हम लोग उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं वो होता है 9,750 करोड़ रुपया। अगर हम लोग उसका एक्सचेंज रेट डॉलर से इंडियन एक्सचेंज रेट 75 करके पकड़ते हैं तो आप ये सोचो कि कंपनी का सेल्स हर साल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया है और नेक्स्ट हम लोग और भी 40 डिफरेंट कंट्रीज में ओपन करने वाले हैं। सो ये सेल्स कहाँ तक बढ़ सकता है, ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। 1.3 बिलियन आपको अभी बताया कि हमारा सेल्स नंबर था, मगर कोरिया से हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। उसके लिए कोरियन गवर्नमेंट से 100 मिलियन डॉलर का अवार्ड मिला हुआ है। 100 मिलियन का मतलब होता है 750 करोड़। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एटमी हमारे इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन हब का काम करता है, जहाँ पे ये मेंबर को जोड़ते रहते हैं और हम लोग सप्लायर को भी जोड़ते रहते हैं। सो हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन हब हैं। हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स आते रहते हैं और उसको हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई देते हैं। इसके लिए हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, क्वालिटी उसको मेंटेन करना पड़ता है। हमारा प्रोडक्ट जो होता है R&D में डेवलप होता है। वो R&D में आपको पता ही होगा काइरी, इसका मतलब है कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हम लोग डेवलप किया है रिसर्च के थ्रू देके, और उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कोलमा BNH ले चुका है और वहाँ से हम लोगों का प्रोडक्शन होता है। वो प्रोडक्शन करने के बाद क्वालिटी सही तरीके से चेक करने के बाद एटमी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंपनी। इसके लिए हम लोग आपको कम मूल्य में सही प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। सिर्फ कोलमा BNH हमारा सप्लायर नहीं है, कोलमा BNH जैसा बहुत सारा कंपनीज है। हमारे पास 70 कंपनीज है जो हमको प्रोडक्ट सप्लाई देते हैं और वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है। सिर्फ कंपनी का प्रोडक्ट से नहीं चलता है, कंपनी का लीडरशिप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको 3P में पहले बता चुका हुआ, हमारे चेयरमैन डॉक्टर खान गिल पार्क सिर्फ बेहतरीन इंसान नहीं, वो बहुत ही बड़े लीडर हैं। उनका फोटोज, उनका स्टोरीज हमेशा डिफरेंट मैगजीन में आते रहते हैं और हम लोग सुनना चाहते हैं। सिर्फ हम लोग नहीं, वर्ल्ड के हर जगह से उनका सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए आदमी उतावले हैं। और वो स्टोरी आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट मैगजीन में उनका फोटो छपता है, स्टोरी छपता है, उतावले हैं। सिर्फ मैगजीन ही नहीं, वर्ल्ड DSA फेडरेशन का ACOA काउंसिल का मेंबर भी हैं। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया माना जाता है। कंपनी का मोटो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कंपनी का लीडर्स अच्छा हो और मोटो ना रहे तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म पे नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग 4 मेन चीज़ पे फोकस करते हैं। स्पिरिट यानी कि आत्मा, विजन फेथ विश्वास, ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। चेरिश द स्पिरिट का मतलब है हम लोग आत्मा को रिस्पेक्ट करते हैं। हर आदमी को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे हर मेंबर को रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे हर एम्प्लॉई को रेस्पेक्ट करते हैं, हमारा हर सप्लायर को रेस्पेक्ट करते हैं। और विज़न होता है, विज़न कंपनी का विज़न होता है, हमारे मेंबर का भी विज़न होता है। आपका विज़न अगर नहीं होगा तो आपको कहाँ जाना है, किस गंतव्य में जाना है,
आपको पता नहीं होगा। इसलिए अगर आपका विजन नहीं है, उसको विजन आप सोचिए, आपको कहाँ पे जाना है देखिए, सोचिए, देन आप वहाँ पे जा सकते हैं। और आप एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे इस जगह पे जाना है, आपका विजन आपने बना लिया, तो आपको अपना खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ, एटोमी कर सकता है, एटोमी का प्लेटफॉर्म के थ्रू देके कर सकते हैं। ये सिर्फ कंपनी यार अपना सक्सेस नहीं, आपके फैमिली में भी ऐसा है, आपके दोस्त के अंदर भी ऐसा है। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आपका आत्मा हो गया, फिर आपका विजन भी बना लिया, फिर आपको अपने ऊपर विश्वास भी है और आप एक सक्सेस का शिखर में पहुंच गए हो। मगर उसके बाद आप में अगर विनम्रता नहीं होगा तो उस सक्सेस का कोई मायना नहीं रखता है। इसीलिए हमारे कंपनी में बोलते हैं कि आप जितने ऊंचाई पे जाओ आप उतना विनम्र हो जाओगे, आप उतना विनम्रता से दूसरे के साथ बर्ताव करोगे तो आपका सक्सेस और भी बढ़ेगा। ऐसे बोलते हैं कि सांप में अगर मनी है होता है तो वो झुक जाता है। किसी नॉलेज, किसी साधु का अगर नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, वो नम्रता से बिहेव करते हैं, वो नम्रता से दूसरों को देखते रहते हैं। सो नम्रता हमारे कैरेक्टर में होना चाहिए, हमारे हर मेंबर में होना चाहिए। एटमी का ये सबसे ज़्यादा विश्वास है कि वर्क टुगेदर, काम एक साथ करें। आप अकेले कोई भी चीज़ अकेले कर नहीं सकते हैं, कंपनी भी कोई चीज़ अकेले कर नहीं सकता, इसीलिए वर्क टुगेदर बोलते हैं। और इसमें से सिर्फ आपका सक्सेस नहीं, सक्सेस हम लोग किस डेवलपमेंट में जाएंगे वो भी देखते हैं और सक्सेस करने के बाद शेयर करते हैं। कंपनी का मोटो, कंपनी का लीडर्स और सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कंपनी अगर एथिक्स में सही नहीं रहता है, अगर ये सच्चाई का रास्ता नहीं लेता है, वो कंपनी ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता है। इसीलिए बहुत सारा कंपनी आपने देखे हुए हो, स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया, ग्रोथ भी बहुत अच्छा किया, मगर दूर तक नहीं जा पाया। इसका ये कारण होता है कि ये ऑनेस्ट या फिर एथिकल नहीं था। किसी भी तरीके से हम लोग इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम लोग अपने ऊपर भी एथिक्स लेके आते हैं। हमारे मेंबर्स को भी हमेशा बोलते हैं कि सच बताओ, एक प्रोडक्ट हमारा हेल्थ केयर का जो जितने भी प्रोडक्ट है उसको आपको प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, मगर ये किसी डिजीज़ को क्योर नहीं करता है। आप इसको बढ़ा चढ़ा के मत बोले, आपका कोई डिजीज़ नहीं लगेगा, आपको सर्दी नहीं लग सकता है, मगर इस प्रोडक्ट से आपका सर्दी क्योर नहीं हो सकता है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। कंपनी एटमी हमेशा शेयरिंग पे विश्वास करता है। हमारे पास पैसा रहने से भी उस पैसे को इन्वेस्टमेंट में सिर्फ नहीं, हम लोग ये सोसाइटी को कैसे वापस दे सकते हैं उसके लिए हमेशा सोचते हैं। हमारे चेयरमैन भी हमेशा सोचते हैं कि गरीब बच्चे जिसके पास स्कूल जाने का पैसा नहीं है उसको हम लोग कैसे करके पढ़ा सकते हैं, या फिर जिसके बच्चे देख नहीं पाते हैं, या फिर जिसके बच्चे ही नहीं हैं वो बूढ़े में कहाँ पर रहे, इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। और इसी वजह से हम लोग उसको शेयरिंग बोलते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में स्कूल बनाते हैं गरीब बच्चे के लिए, जहाँ से पढ़ लिख जाए और अपने पैर में खड़े हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने, आपको पता होगा कि US जाने के बाद, वो वापस आने के बाद बेलूड़ मठ बनाया हुआ था, वो कुछ भी कर सकते थे, मगर वो एडुकेशन में क्यों फोकस किया? क्योंकि एडुकेशन बच्चे को देने के बाद उसका ज्ञान प्राप्त होता है, वो खुद के पैर में खड़ा हो सकता है और सक्सेस होता है। हम लोग अगर प्रोडक्ट के बारे में देखें, प्रोडक्ट का हमारा एक फिलोसॉफी है विच इज एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस। हम लोग जब प्रोडक्ट बनाते हैं हाईएस्ट क्वालिटी में, उसको कितने कम दाम में आपके पास पहुंचा सकते हैं उसको देखते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग थोड़ा चीप प्रोडक्ट नहीं बनाते क्यों हैं, उसके बारे में हमारा लॉन्ग स्ट्रेटेजी है। बट आप ये सोचो कि इस क्वालिटी प्रोडक्ट में आपको प्राइस इस प्राइस में कभी नहीं मिलेगा। आपको एक एग्जांपल के तरह से बताता हूँ। हमारा एक टूथब्रश है, ये टूथब्रश दिखने में बहुत ही सिंपल है, मगर इनका अगर ब्रशेस देखोगे एक गोल्डन कलर है। सिर्फ ये गोल्डन कलर नहीं, इसमें नैनो मटेरियल प्रेसिपिटेट किया गया है।
सिर्फ ये गोल्डन कलर नहीं, इसमें नैनो पार्टिकल का प्रेसिपिटेशन है जिसके वजह से इसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता है। आप किसी भी ब्रश बाजार से लेके आके उसको आप अपने टॉयलेट में कुछ दिन रख दीजिए, इस्तेमाल करने के बाद देखना उसमें काले 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 डॉट हो जाते हैं। क्यों होते हैं आप? क्योंकि हमारे टॉयलेट से फ्लश जो होता है उसमें से बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है, वो जाके टूथपेस्ट में प्रेसिपिटेट करके बैठ जाते हैं और उसी से आप ब्रश करते हो। मगर हमारे टूथपेस्ट में ऐसे कभी नहीं आएगा। आप 3 महीना भी अगर उसको रख देते हो ये कभी नहीं आपको दिखेगा और कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकता है। ये ब्रश दिखने में तो सिंपल है मगर ऐसे ब्रश बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है मार्केट में। इस ब्रश का कीमत भी हम लोग जब लॉन्च कर रहे होंगे आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस मार्केट में किसी के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है और इसमें बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं होता है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि लास्ट ईयर 2019 में हम लोग 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ ब्रश ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर चुके हैं। अगर ये ब्रश अच्छा नहीं होता तो इतना सेल क्यों होगा? मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है या फिर बहुत लोग वरी भी डरते हैं या फिर बोलते हुए हैं मुझे कि आप लोग कोरिया से प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, ये कैसे चलेगा? मैं बोलता हूँ आप लोगों को पता नहीं है कि कंपनी का ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी है जो कि हमारे डॉक्टर हान गिल पार्क 10 साल पहले सोच चुके थे। वो है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। इसका मतलब है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम लोग प्रोडक्ट्स देखते रहते हैं कौन सा कंट्रीज में कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, उसको उस कंट्री से लेके बाकी दुनिया में हम लोग वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप हल्दी है, हल्दी आप पूरे वर्ल्ड में देख लो सबसे बेहतर तरीके का, सबसे अच्छा क्वालिटी का और कम कीमत में इंडिया में मिलता है। इसको इस चीज़ को इस्तेमाल करके हम लोग अगर प्रोडक्ट बना के पूरे वर्ल्ड में बना भेज सकते हैं। सो वोकल टू लोकल ये स्ट्रेटेजी एटमी ने 11 साल पहले ले चुका था। 2009 से प्रोसेस था हमारा और आज जाके हमारे इंडिया में बोल रहे हैं कि वोकल टू लोकल करें। मगर हम लोग वोकल टू लोकल में विश्वास भी है और हमारा स्ट्रेटेजी है कि आपके पास इंडिया का प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में बना के पहुँचाना नहीं, इंडिया का प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग पहुँचाएँ और सही मूल्य में पहुँचाएँ और इंडिया को जाना जाए। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए कि हम लोग ये कर सके। पहले तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें, फिर तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। दूसरे दूसरे कंपनी पे आप देख लो, 10 साल 20 साल लगते हैं इंडिया में उनका फैक्ट्री बनाने के लिए। हम लोग इतना टाइम कभी नहीं लगाएंगे, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे और पूरी वर्ल्ड पे यहाँ से भेजेंगे। इंग्लिश में एक कहावत है, लर्निंग इज अर्निंग। ये हम लोग तय दिल से विश्वास करते हैं। हम लोग अपने मेंबर का लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एटमी ऐसा एक ही कंपनी है जो मेंबर्स का ट्रेनिंग खुद कंपनी की तरफ से होता है। आप लोगों को इसमें कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या होता है, बड़े जो मेंबर्स हैं, बड़े जो लीडर्स हैं, वो खुद पैसा इन्वेस्ट करके, वो खुद पैसा दे करके ट्रेनिंग खुद करते हैं। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कंपनी के तरफ से हर मटेरियल होगा और ट्रेनिंग भी जो होगा हम लोग आपके साथ करेंगे। इसमें हमारा ट्रेनिंग में अगर आप देखते हो तो हमारा सक्सेस सेमिनार है, हमारा वन डे सेमिनार है और डिफरेंट एजुकेशन सेमिनार्स भी हम लोग करते हैं। हम लोग सेंटर के ऊपर सेंटर का जो लीडर्स होते हैं उसका सेमिनार करते हैं और ये सब सेमिनार करने के बाद जब हमारा वीडियो तैयार हो जाता है उसको हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन देखने के लिए आपको पैसा देना नहीं पड़ता है, ये फ्री है, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। ये हमारा चैनल एटमी में बहुत सारा वीडियो आप देख सकते हो, इसको आप एंजॉय कर सकते हो। हम लोग जब कोरिया में ये ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट किया हुआ था, सेमिनार स्टार्ट किया हुआ था, इसको एक ही जगह से 8 या 9 डिफरेंट जगह पे रियल टाइम में ब्रॉडकास्ट करते थे। अभी कोरोना के लिए थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं, अभी यूट्यूब के थ्रू देखे करते हैं डिफरेंट कंट्री में। इंडिया में भी हमारा प्लान है कि सेमिनार जब होगा उसको रियल टाइम में ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। हम लोग डिफरेंट सिटीज़ को एक साथ ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू देखे जोड़ेंगे और ये सेमिनार आपका सक्सेस लेके आएगा। आप देख सकते हो कि
डिफरेंट कंट्री में हमारा सेमिनार कैसे चलते हैं। एक एक सेमिनार में 17,000 लोग एक साथ बैठ के सीखते रहते हैं। वहाँ पे हम लोग बोलते रहते हैं, आप सोचिए आपको खुद को उस 17,000 लोगों के सामने आप खड़े हो और आपका सक्सेस स्टोरी बोल रहे हो, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं था मगर एटमी ने मुझे वो सिस्टम करके दिया और उसी के थ्रू देके मैंने सक्सेस किया। आपको अच्छा तरीका से बोलना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको स्टेज में डर लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हम लोग आपको सिस्टम देंगे जहाँ से आप ये कर सकते हो। आपको सही तरीके से बोलना नहीं भी आता है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एटमी इंडिया के बारे में आप देखोगे तो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑलरेडी ऑनलाइन है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ये 2019 फरवरी में हम लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। उसके बाद हमारा ऑफिस बना है नवंबर महीने में, नवंबर 2019। ऐसे बनने के बावजूद हम लोग दिन रात आपके लिए काम करते हैं कि लॉन्चिंग जल्दी से हो जाए और आपका इनकम भी स्टार्ट हो। हम लोग बैठे नहीं हैं, एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, आप ये भी देख सकते हो कि हमारा फसाई सर्टिफिकेट भी है और रजिस्ट्रेशन में हमारा और कॉस्मेटिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है। और जितने भी सर्टिफिकेट आएगा हम लोग धीरे 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 हमारा वेबसाइट में और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको और एक चीज़ जानकर खुशी होगी कि हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर जो है वो सीजे डार्सेल है। इसका अगर प्रोफाइल आप देखो तो बहुत ही पुराना कंपनी है, और इसका आप अगर प्रोफाइल देखो तो बहुत ही पुराना कंपनी है, और इसका 2018 का सेल्स नंबर आप देखो तो 2311 करोड़ इनका सेल्स वॉल्यूम था। ये छोटी कंपनी नहीं है। एटमी बड़ा है या फिर बड़ा कर सकता है या फिर दूसरे कंट्री में ये ग्लोबल हिसाब से चल रहा है, तभी जाके सीजे डार्सेल जैसा बड़ा कंपनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिर्फ ये कंपनी नहीं, हमारे साथ बहुत और सारा कंपनी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एक साथ बढ़ के आपका सक्सेस की तरफ देख रहे हैं और कदम से कदम मिला के बढ़ रहे हैं। मैं अंत में आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जब ये इन्फॉर्मेशन दूसरे को देते हो, आपके टीम मेंबर को देते हो, बहुत बड़ा चढ़ा के मत बोलिए, जो रियल है जो फैक्ट है उसको बताइए। क्योंकि आप आज अगर बढ़ा के बोलोगे कल आपको पता चलेगा कि ये नहीं था तो उनको दुख होगा, वो आपके ऊपर विश्वास भी हक नहीं कर सकते हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उसी इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करो, उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से लोगों के पास पहुंचाओ, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सक्सेस बहुत दूर नहीं है, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो क्योंकि आप एटमी के साथ जुड़े हुए हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप ये सुनने के लिए आपको तय दिल को मैं ये सुनने के लिए आपको मैं तय दिल से धन्यवाद देता हूँ, और हेल्थ का केयर हमेशा रखिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। एंड थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।